सकते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ अटेंडेंस के तौर पे जाते हैं, बाकी कोई कुछ करते नहीं, अपना प्रेजेंटेशन नहीं करते कुछ। हां समटाइम आई इट समटाइम बट ओनली वेजिटेरियन और बाबा इज टेलिंग इट इज द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर्स ना ये हाथ है ये आँख है इसकी वाइब्रेशन निकलते हैं वाइब्रेशन भोजन को असर करते हैं बाबा इज टेलिंग द हैंड्स द आईज वाइब्रेशन इमिट फ्रॉम दीज ऑर्गन्स दे विल अफेक्ट द फूड दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड What is the role of Patanjali in the drama? Drama, Patanjali ka role ek hathiyogi ka hai. It is the role of an ascetic. Hathiyogi means one who is... Yeah, you hathiyogi, understand. Aapne indriyon ko hathiyo control karte hai. To control our senses forcibly. That is okay. पतंजलि आत्मा है और उसमें पतंजलि प्रवेश करती है ऊपर से आने वाली पतंजलि इज द सोल ऑफ हिंदू रिलीजन एंड द सोल फ्रॉम परमात्मा एंटर्स हिम एंड टीचर्स देम Can it be said the same thing about Chinese sage Confucius? Okay. चीन का एक साधु था कन्फ्यूजियस करके जिन्होंने कन्फ्यूजियस धर्म को स्थापन किया अभी चीन में बहुत कुछ मात्रा में कन्फ्यूजियज्म भी है मतलब वो भी एक जात है तो उसके बारे में भी यही बात बोला जाता है क्या Yeah. Means that soul coming from Paramatma. Has entered to the... No, वो भी एक नया धर्म जैसे स्थापन किया तो चीन में तो क्या वो भी परिणाम से आए हुए आप ना बोल सकते हैं धर्म के तहत आते हैं मन मतलब आते हैं दुनिया में आकर के उनका मन मतलब बढ़ जाता है अचानक तो लिंक में भी आकर के मैं टेलिंग ऑल द सोल्स हु गेट व्हाट यू से who spread religions and will get a big respect from the masses. They are all from the Parandam, who come and establish new religions. Now, scientists think that universe is very big. But after the knowledge, I think it is not so big as scientists think. जो बाहर दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं ना वो बोलते हैं जो बाहर का जो आकाश आकाश या जो ब्रह्मांड है ये जो है बहुत बड़ा है लेकिन अभी एडवांस ज्ञान में आने के बाद मुझे लगता है वो इतना बड़ा नहीं है जितना वो लोग बताते हैं क्यों बड़ा नहीं है
Baba is asking, why is it not weak? According to you, why do you feel so? Because it seems to be difficult that after 5,000 years, every star returns to the same place. अभी तो ज्ञान में ये पता ही जाता है ना 5,000 साल के बाद जो था वो तो वहीं से आकर पहुंचेगा ठीक है इसीलिए इतना बड़ा तो नहीं हो सकते 5,000 साल के बाद जो कच्चे वहीं पे ही पहुंचेगा हरे हरे किसान अपना जगह पर 5,000 साल में पहुंचना ये इतना संभव नहीं है ये नहीं संभव नहीं बोल रहे हैं अभी ज्ञान में ये बात आता है कि 5,000 साल के बाद जो जहाँ से आएंगे वही वही वहीं पे पहुँचेगा तो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता अभी साइकिल निश्चित है तो कैसे संभव है कैसे संभव है नहीं बोलता इतना बड़ा नहीं है ना उसी साल साइकिल अभी इसका तो इसमें क्या आपत्ति क्या आ रही है So, what difficulty you are facing? Every star जहाँ से चला है, उस चक्कर काटते काटते फिर वही पहुँचेगा। That any star completing its cycle, moving all around the place and returning back to its destination after 5,000 years. So, what is the difficulty? Some stars already burned, and people have been seeing that some disappear. कई सितारे टूट जाते हैं ना और पूरा जल जाते हैं हाँ जल जाते हैं लेकिन उनके कण वगैरह कहीं तो गिरते हैं जाकर के जहाँ गिरते हैं जहाँ से गिरते हैं वहीं से कण इकट्ठे होते हैं फिर बाहर आपने जगह से पहुँचते हैं द पार्टिकल फ्रॉम दैट ब्रोकन स्टार दे विल गेट डिस्पर्स समवेयर ना सो आफ्टर 5,000 ईयर्स दे गैदर टुगेदर दे रिकलेक्ट एंड फॉर्म द सेम So, after 5,000 years, the dark sky is the same. Huh? Yes. And the sun is constantly losing energy and matter. So it should somehow return it. सूर्य जो है अपना शक्ति दिन ब दिन खोते जा रहे हैं मतलब खर्चा हो रहा है ना सूर्य और दिन तपेगा ज्यादा सन विल इन द कमिंग टाइम द सन विल बर्न विथ मच फोर्स दिस डोंट थिंक इन दिस वे दैट द सन इज लूजिंग ऑफ इट्स एनर्जी डे बाय डे चाहे इसको दोनों की पावर जन्म देना और ज़्यादा बढ़नी है बीट द मार्शल सन और द अनलिमिटेड सन ऑफ द ब्राह्मिन वर्ल्ड दे विल बी बर्निंग डे बाय डे नॉट एनी मोर देयर एनर्जी विल इंक्रीज ज्योतिष भी है वॉट एवर दे आर प्रिडिक्टिंग ऑल्सो समटाइम्स फेल शांत है चंद्रमा है वो सत्युग में रहेगा चंद्रमा सितारे बाबा इस फिल्म बीट द मून ऑफ द स्टार देर ऑल देर टू स्टेट फॉर एवर दे विल नॉट गेट दिस स्टार जैसे आत्मा या विनाशी है वैसे उधर सितारे भी अविनाशी है Just as the soul and the supreme soul, which will not be destroyed and will stay forever, in the same way the stars and the moon, they will get merged in us. They will be merged. They will get merged
and will emerge at a later stage. How is the preposition related to the sun in particular? How then will the position relatively to the sun in particular to keep climate everything? हाँ ये बोला जाता है ना, पृथ्वी में सदाबहार मौसम रहता है. हाँ तो जो जो भूमि का जो दूरी दूरी जो है वो सूरज के किस तरफ रहेगा ताकि जो मौसम है सुबह से लेकर शाम और रात तक यही टाइप का ऐसी गर्मी में कि नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो वो दूरी चेंज हो जाएगी. और इंडिया में लगातार दिन ही देते हैं नहीं जाता. नाउ स्टडी नाउ आई गिवन एन एग्जांपल टुडे इन द नॉर्थ पोल और साउथ बीट नॉर्थ पोल और साउथ पोल द इंक्लिनेशन विल बी द इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द सन इज इन सच अ वे दैट फॉर 6 मंथ्स यू आर हैविंग डे एंड फॉर द 6 मंथ्स यू आर हैविंग ओनली नाइट. इज इट नॉट नॉर्थ पोल इज अप. You think in the same way that the inclination of the country, Bharat, towards the sun will be in such a way that for 2,500 years you will have only day and no night. So, if this is the sun, then that's how it will be like this. Yeah, so North Pole hai, South Pole hai, wahan lagatar suraj ki kiran rehti hai. What comparison you gave? What is telling be the North Pole or South Pole? So either it will always face the sun or it will not. Either it will be having only day or only night. In the same way, in the heaven, in the golden age, in the silver age, for 2,500 years, you will have only day. There is a lot of storm between Mars and Jupiter. So, was there some planet at that time of Jupiter? That storms are called asteroids. जुपिटर मतलब गुरु गुरु ग्रह और मार्स मंगल मंगल वीनस मार्स जुपिटर मंगल इज वीनस जुपिटर गुरु मंगल मंगल मार्स मंगल इज मार्स मंगल इज मार्स मंगल मंगल ग्रह और गुरु ग्रह इन दोनों के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ जो जो मतलब भूगोल भाषा में ये बोला जाता है और गुरु ग्रह गुरु ग्रह तो बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले दोनों बड़ा नहीं है बहुत है. लेकिन दोनों के जो बीच बीच वाला हिस्सा है ना उसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं जो वो भी घूम रही है और ये एस्ट्रॉइड करके बोला जाता है. तूफान है शाम शाम पाने अभी आते रहते हैं. Something that there was a planet and this was broken. So maybe in the future there was some more planet. Was it? No, ये कोई नहीं. ये जो चित्र विचर हो रहे हैं जो भी अंश है इसमें ये बोला जाता है कि वो वास्तव में एक और एक ग्रह था जो बाद में टूट गया और टूट करके उसका सारा जैसे बिखरा गया अंश गया. तो क्या सचमुच में एक और इस प्रकार का कोई ग्रह था क्या? एक और ग्रह था मतलब अभी तो 9 ग्रह है ना. तो और ये मंगल और गुरु के बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे पहाड़ मंगल के ऊपर अपने पहाड़ है पहाड़ नहीं पत्थर टाइप के
बीच में बहुत स्पेस में बहुत छोटे छोटे घूमते जो मंगल और गुरु के आसपास घूमते रहते हैं वो बीच वाला प्रदेश में तो मतलब जो उधर बाहर की दुनिया के विज्ञानी लोग जो है वो तो यही बोलते थे कि मतलब एक ग्रह था जो बाद में टूट गया और उसका जो अंश है वो ऐसे बिखर गया तो वो उनका प्रश्न ये कि इसका मतलब एक और ग्रह था क्या कोई बिखर गए कोई फिर इकट्ठे हो जाए तो अभी तो नौ गए तो वो अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो दस हो जाएगा ना जो बिखर गए वो रटिया इस तरह बिखरने वाले वो ही है और वो बिखरे हुए उनके मित्र ये तो है ना नौ ग्रह तो रहेंगे नष्ट नहीं हो सकते The scattered particles of the 10th religion only will recollect from the 10th, the Russian one. Forward from the earth at the end of silver age. आजकल बहुत सारे मतलब बूम बूम के तो गिरते रहते हैं ना धूम के तो बहुत कुछ गिर रहे हैं धूम के तो गिर रहे हैं तो क्या त्रेता के अंत में कोई धूम के तो गिर गई जो इस जो जो गोल्डन और सिल्वर एज को अंत कर दिए सत्य और त्रेता को आधा विनाश होता है ना तो कोई धूम की तो गिर गई क्या आधा विनाश होता है आधा विनाश होता है उसमें जरूर हमारी परिवर्तन बाबा ईश्वर की मेहरबानी और अटारियाँ कोई ऐसे जबरदस्त भूकंप आए हैं तो चलेगी खत्म कर In the end of the silver age, half destruction takes place. So all the palaces, buildings which were existent in the silver age will get destroyed. So some kind of earthquake definitely took place. So maybe, yes. हो जाते हैं बिखर जाते हैं क्या वो फिर निकल के हो जाते हैं जहाँ से बिखरे हैं वहीं जाते हैं रीग्रुप विल इट अगेन रीग्रुप यस From where is that got scattered, they will come back and form. Yeah, they will regroup. It is their brain and heart. Brain and heart. Is they have. Are you asking about the... About details. No, heart means the... Heart means organ. The working heart or the... Which organ? मतलब देवताओं को जो दिल है या जो ब्रेन दिमाग है दिमाग जो स्थूल दिमाग और स्थूल दिल जो है वो दोनों होते हैं हाँ थोड़ा दिमाग तो होता ही है दिमाग कैसे करेंगे सबके दिमाग नहीं होता है काउंसिल
They should have a bit of brain. Or else how can they interact? And the heart? Yes. Well, there is a problem. And Baba said one thing. They will not have that kind of brain like the present day scientists or present day people, which is that is the level of which was fallen down. Now the life is life is based on top of DNA, such DNA, such molecules, such and in my opinion, I think that maybe Satyuga was not, it was what it was made of different than now. मेडिकल के लिए बिताया जाता है हम सब ने एक डीएनए करके एक चीज है जो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो शरीर का स्थिति है सत्युग का जो शरीर का स्थिति है दोनों से अलग अलग ही है अभी शरीर की स्थिति में जो मूल ऊर्जा है वो नीचे जा रही है नीचे जा रही है उस समय वो मूल ऊर्जा सब ऊपर चढ़ रही टेस्टिंग की ऊर्जा नाउ एक्चुअली डेफिनेटली द बॉडी विल बी इन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ नाउ द एनर्जी वी आर लूजिंग आउट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम And in the date is, that is the golden age, the energy will be towards the higher level. Kundalini Shakti Jagrat Hogi. The Kundalini? Kundalini, that is Kundalini, here you have a Kundalini Sarvata Jagti, that's the Sarvata Hogi. Kundalini is power. Actually, there are a lot of theories for Kundalini Shakti, no? That is, your Kundalini Shakti, you have to again regroup it and bring it back to its original form. And it is somewhere here, it is said, it has fallen down. You have to bring it back to here. Nothing like that, as it has been shown. What is the fifth element, the What are the four elements you are talking about? First four. Four, earth, air, water, क्या पांच सत्तर वाले क्या पूछ रहे हैं ना व्हाट इज योर क्वेश्चन अबाउट आई ग्रो पास्ट उनका कहना क्या है ना हां कि
चार से उनको पता है, लेकिन पांचवा का जो है ये नाकाश तत्व है उसके बारे में रशिया में भी कुछ मतलब कंफ्यूजन है। इतर बोलना है इतर एलिमेंट पांचवा तत्व तो उसके बारे में उसको जानना है। पांच एलिमेंट के अलावा भी कोई है? नहीं, पांचवा एलिमेंट जो होता है श्वेता के पास बता तो रहे हैं उनको आकाश है, अब उसके बारे में उनको जानना है। उसके बारे में जानकारी चाहिए सही में किसके है अंदर अंदर उन बाड़ी आज से क्या अंदर स्पेस ऑन द मैक्सिमम रहते हैं। तो exactly where soul is in the brain. Some decay told me that there is some part of brain hypothalamus in the center of brain near hypothalamus. Correct. मगर ये पूछा है कि हमारे मस्तिष्क में कहाँ ये आत्मा किस जगह पे स्थित है, तो बीके वाले कोई कह रहा था कि वो एक हाइपोथैलेमस बोल के एक जगह है, छोटा सा सेंटर है, इससे जो हार्मोनल कंट्रोल करते हैं ये ब्रेन से शरीर का कंट्रोल होता है, तो उस जगह पे स्थित है ऐसे बोल रहे हैं। क्या है, सही है क्या? वो ब्रेन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस बोल के एक सेंटर है ब्रेन के अंदर, हाँ उस जगह से बहुत कुछ कंट्रोल होता है शरीर का, तो क्या उसी जगह पे आत्मा स्थित है क्या पूछ रहे हैं? नहीं, परंतु फिर आत्मा स्थित है तो वहाँ नहीं, वो कौन सी जगह जहाँ पर होता है? अंदर हाँ, वहाँ गोली मारी जाए तो आदमी फिर भी जिंदा रहता है, यहाँ गोली मारी जाए तो बचने की कोई आशा नहीं रहती। इस तरह सीधा नीचे आप अंदर की तरफ जाए तो इधर इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन जहाँ की तीनों पॉइंट मिलते हैं, वही जगह पर लगभग वही स्थान आत्मा के रहने का स्थान इज दैट इट इज द थ्री प्लेसेस वेयर योर टू टेंपल्स द एरिया पियर्सिंग द टू टेंपल्स एंड द फोरहेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड बिटवीन द ब्रोस। So where the area meets the three points meet inside your skull, that will be the point where the soul will be. That will come somewhat to the area of hypothalamus. Now Brahma is going to arrange for so doesn't have the sense to study medicine. अभी ये जो आयरन ये बंद होने वाला है और ड्रामा भी खत्म होने वाला है, तो अभी ये जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना मेडिसिन के, इसमें कोई मतलब महत्व है क्या? हाँ होगा, सभी टेस्ट जितने भी हैं सभी जगह आकर के मिलेंगे। मतलब इनका पूछ में है मतलब पढ़ाई जारी रखो या नहीं इस टैली होता उतना उठाओ, बाकी सब बाबा जी ज्ञान में ढेर सारा पढ़ने को बाकी है। मेडिकल वही जो पढ़े बोल रहे हैं वो पेट कमाने पेट के लिए है, और तीसरे साल में पढ़ रहा है अभी मेडिकल है, तीसरे साल मेडिकल में पढ़ रहा है। दो साल और रह गया ना, हाँ ये तीसरा पढ़ने के बाद भी दो साल और रह जाएगा, तीन साल रह जाएगा, आराम लगातार पढ़ रहे। अरे पेट के लिए दो रोटी तो चाहिए और क्या चाहिए? रिक्वायर टू स्क्वायर मील फॉर योर स्टमक इज इट नॉट एंड दैट स्टडी विच योर दैट दो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टडी ओनली टू अर्न योर टू स्क्वायर मील एंड इफ यू आर सैटिस्फाइड विद टू स्क्वायर मील देयर इज नो नीड फॉर यू टू studying. There is a lot of things to study in Baba's knowledge. You can do that. This will allow me to medicine will allow me to remove
astrology from face of my from first line of my work, Rumo astrology. If I will allow them, they will allow to stop astrological practice. अभी तो ज्योतिष के रूप में काम कर रहे हैं ना मेडिसिन का मतलब मेडिकल का पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो मैं ज्योतिष छोड़ सकता हूँ मतलब मेडिकल का मतलब ये डॉक्टर के रूप में काम करते हैं ना तो भल दोनों करिए लेकिन टाइम थोड़ा लगाइए इतना पेट की ग्रुप नहीं होती रहे बाबा इज फीलिंग यू कैन प्रैक्टिस बोथ But you spare only that much time which is enough for to spare me. Does it set the sense to make my job? Does it have the sense to make friends my job? विज्ञान को इनका धंधा बनाना मैं कुछ मास रहे पूछ रहे विज्ञान का मतलब विज्ञान को ही मैं अपना धंधा बनाऊँ क्या बहुत कुछ मेडिकल साइंस साइंस की बात है जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेडिकल साइंस में आगे बढ़ सकता हूँ वही मैं मतलब आगे के लिए मैं जारी रख सकता हूँ क्या मैं करूँ करो लेकिन वही पता है ना नहीं करो तुम्हारा पेट टूटी होती अभी शायद ज्ञान है तो योग है भाई फिलिंग यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट बट ओनली दैट मच विच इज इनफ फॉर योर समर द रियल साइंस इज द नॉलेज और द योग मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन आपकी बाइंड जी रियल नॉलेज ऑफ साइंस सब कुछ परिवर्तन कर देता है बोलो बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड इज द रियल साइंस विच विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग नॉलेज डज एनी एस्ट्रोलॉजिकल इंफ्लुएंसेस प्रेजेंट इन गोल्डन एंड सिल्वर एज एंड फ्रॉम व्हाट वाज इट डज इट ये जो ज्योतिष शास्त्र जो है इसका कुछ असर रहता है क्या ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का कुछ महत्व के निकले जिसकी जो है और वो कुछ इस तरह का गणित है तो क्या सचित रहता में इसका कोई महत्व है नहीं दे विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड नहीं विल नॉट इंटर on human life in golden astrology. मतलब ग्रह गति का कोई असर नहीं पड़ेगा ना उधर ग्रह गति का तो असर पड़ेगा सत्य अस्त्र का हाँ संपन्न के जो पहुंच जाते हैं आप तो संपन्न के पहुंच जाते हैं ऐसा कि तो लगा ना संपन्न के पहुंच जाते हैं बाबा स्टीलिंग ऑल द प्लैनेट्स विल बी कंप्लीट in the respective level. The Jupiter will be complete in 16 finished field degrees. The mind in this Brahma, what about intellect? How it can be felt मन और बुद्धि परंधाम में रहता है क्या मन नहीं रहता माइंड विल नॉट बी बुद्धि बुद्धि तो है परंधाम बुद्धि है मर्ज में द इंटेलेक्ट विल बी देयर बट इट विल बी इन अ मर्ज स्टेट इंटेलेक्ट मन नहीं होता In golden and silver age, there will be no mind. In the golden and silver age. Satya Preta may be like that. Kya? Man. Man nahi hota hai.
मन वहाँ चलायमान होता ही नहीं, वो तो एकाग्र रहता है। माइंड इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट व्हाट व्हाट ओ कम्स फ्रॉम परंपरा व्हाट व्हाट इज द पश पश बट ट्रिगर which force soul enter the physical world. ये परमधाम से जो आत्मा आती है तो उसे कौन धक्का देता है, मतलब कैसे क्यों मतलब एकदम उसके आने का कारण क्या बनता है? आदमी को बताया कि आत्माएं जो है वो अपनी अपनी पावर बढ़ती है, तो ज्यादा पावर की आत्मा है वो उतनी स्पष्ट रूप से पहले आ जाती है, कम पावर वाली आत्माएं लास्ट में आती है। Bhagavad says that every soul fills itself with power in this time, conflict stage. And depending on the power it fills, it has more high, it has charged itself with more power, will be for a longer time it will be playing a part in this world. And the souls which have taken up only less power will play smaller part. In this later, they don't stay full in the full cycle of drama, only in the later. What is the difference between entering Paramham without any effort and attaining permanent stage by hour, by dedication? वह ये पूछ रहे हैं परंधाम को बिना कोई प्रयास किए परंधाम जाना और अपने बलबूते पर कर्मातीत अवस्था को पाना, इन दोनों में फर्क क्या? भगवान की जो कट चली हुई है वो उतर जाना वरना आत्मा परंधाम जाने योग्य होगी। The rest of body consciousness, the removal of the rest of body consciousness, that means the soul has gone to the stage of paramount. What will feel those who didn't remove it, whom Baba will मतलब जो अपना देवान का कट नहीं छोड़ते हैं और बाप बलपूर्वक उनको परंधाम ले जाते हैं ना? बलपूर्वक नहीं ले जाते हैं, पहले उनको कुटाई पिटाई होती है, छटाई होती है, देवान उनका काटा जाता है, बुराई होती है। भाई सिलिंग आई डिड नॉट टेक बाई फोर्स बट दे विल फेस सच अ सिचुएशन वेयर their body conscious will be removed. By beating. Pura ho gaya bas. Fresh. Inka prashn pura ho gaya bas. Clear. मतलब ये जो आकाश तत्व के बारे में कुछ पूरा क्लियर नहीं, आकाश तत्व पांचवा तत्व आकाश तत्व जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में कहीं ना कहीं लड़कियों में हवा है, हवा में भी कोई ऐसी स्टेज आती है जहाँ हवा का दबाव होता ही नहीं बिल्कुल, वो वैक्यूम है। ऐसे ही अग्नि है, अग्नि में कोई ऐसा होता है कि अग्नि के अंदर भी वैक्यूम है, मतलब वो जो वैक्यूम हरेक चार तत्व में घुसा हुआ है वो ही वैक्यूम अलग से वैक्यूम कहा जाता है, मतलब कोई तत्व ऐसा नहीं जिसमें वैक्यूम न घुसा हुआ हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, इन चारों तत्वों में वैक्यूम तो रहता ही रहता है। बाबा सेज दैट देयर इज वैक्यूम इनसाइड अर्थ, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द फायर एंड इनसाइड द एयर आल्सो, बिटवीन एयर देयर इज आल्सो वैक्यूम एंड देयर इज स्पेस, वैक्यूम इन ऑल द एवरीथिंग, ऑल द फोर एलिमेंट्स।
So it is universal, it is spread in a universal, it is present in all the elements. Because if I will start to explain to someone, he will tell me, you know how much stars exist. How can they return back after 5,000 years? That's all. So, ये पूछ रहे हैं कि किसी को मैं अभी बताने जाऊं कि ये सब बारे में तो पूछने लगेंगे इतने सारे नक्षत्र हैं करोड़ों 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 नक्षत्र हैं तो वो 5,000 साल बाद वो वापस उसी जगह पे कैसे आएंगे अभी जिंदा के उनसे अभी जिंदा नहीं आते बाबा सिर्फ एज इट इज नाउ इट इज देयर 5,000 ईयर्स जैसे 24 घंटे के अंदर अपनी अपनी जगह से गुजरते हैं ऐसे दिन और रात देर का है 2,500 साल का दिन 2,500 साल भी जा राइट नाउ एवरी डे वी सी दैट 24 आवर साइकिल दे मूव अराउंड अकॉर्डिंग टू इन कॉन्फिगरेशन द अर्थ ऑल्सो इट विल टेक इट इज लाइक द होल साइकिल इज लाइक डे एंड नाइट इफ दे हैज अनलिमिटेड ऑफ द अनलिमिटेड वर्ल्ड 5,000 ईयर्स इट बिकम अ डे एंड नाइट Just as they move from the respective places, they return back after 5,000 years. The 5,000 years itself will become a day and night. Can you be more specific what you want to ask? Maybe it's difficult to find. Let's try it. I'm going to go. 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 In Hindu, here that in the mythology there is not only Kalpa but some much bigger than Kalpa. हिंदू शास्त्र में ये कहा जाता है सिर्फ कल्प के बारे में नहीं बोलते कल्प से भी कहीं बढ़कर कुछ है ये कहा जाता है शास्त्र मानवीय बुद्धि है All the scriptures, all these are created, man created. They are all man created. Scriptures. You don't have to worry about them. But not created by God. Actually, there is only one much missing. लॉट ऑफ लिटिल जब भी बाबा दे रहा है लॉट ऑफ मिक्सचर इट इज हैव एंटर्ड इनटू द स्क्रिप्चर एंड द रियल थिंग इज नाउ बीइंग गिवन बाय बाबा व्हेन आई वाज गेटिंग एडवांस कोर्स आई वाज टॉक अबाउट रेंज आई वाज टॉक अबाउट टोरेंशियल रेंज That there was a torrential rain, and this symbolized the rains of knowledge. That there will be a lot of knowledge. अवेयर बोल रहे हैं कि जब कोर्स ले रहे थे तो उनको बताया कि अब बाद में अंत में बहुत बारिश होगी बाढ़ हो जाएगा बहुत इतनी मूसलाधार बारिश हो जाएगी तो ये बारिश जो है ये जान के बारिश बताया गया था ज्ञान की बारिश भी है मूसलाधार बरसात भी है मूसलाधार बरसात बाद में होगी पहले ब्राह्मण दुनिया में और सारी दुनिया में पहले ज्ञान की बारिश होगी बाबा सेज दैट फर्स्ट देयर विल बी दैट टोरेंशियल रेन ऑफ नॉलेज एंड देयर विल बी आल्सो द मटेरियल इन द वर्ल्ड आल्सो देयर विल बी रेन सो इफ देयर विल बी रेन इन आउटसाइड वर्ल्ड फर्स्ट बिफोर दैट इन दिस Brahmin world, there will be rain of knowledge, there will be a torrential rain of knowledge. सारी दुनिया में ये ज्ञान फैला करना है सारी दुनिया में सच्चाई फैलेगी सब कुछ होगा तो सबकी बुद्धि चलने लग गई Now the knowledge has not reached far and wide throughout the world. When it reaches everywhere, everyone's intellect will start working. अनेक प्रकार की मनमचे निकल पड़ेगी लॉट ऑफ मैन मेड थिंकिंग विल गो ऑन दैट विल बी द पीरियड व्हेन अ लॉट ऑफ फ्लड्स विल टेक एवरी वन विल स्टार्ट थिंकिंग इन हिज ओन वे सो देर विल बी अ फ्लडिंग ऑफ नॉलेज
to. This knowledge is now very much limited and restricted. When it reaches far and wide throughout the world, everyone's mind will start ticking. Everyone will try to give the clarification in his own way, as and how he feels. जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में पानी थोड़ी होता है, उसमें ढेर सारा कचरा मिल जाता है. Just as the, when it floods, no, there will not be only water when it floods. A lot of dirt will also be there in the flood. Now you would go and learn English more vigorously, is it not? Not only English. Sir, English in Hindi. That's right. Now I'm telling you, it is a bit difficult to learn Hindi. To learn Hindi, you have to move the society. Means you should, that is, it is difficult for you to learn Hindi staying in Russia. You have to consider. What I will make some arrangement. Which arrangement is here? Are you on your part Russian or Hindi traditionally? पहले जब सोवियत संघ के साथ अच्छा रिश्ता था ना, उस समय का निकला हुआ किताब है, मतलब है इनके पास लिखना. रशियन और हिंदी भाषा. रशियन और हिंदी है. हाँ, हिंदी डिक्शनरी के ना के बराबर है. हिंदी काम चला तो है. At present, your Hindi is not to be considered. At least you have got a bit of English. Lot more to the world. When instruction will take place, actually, will everyone become Paramahansa, or someone will experience Paramahansa stage while staying in the body? विनाश होगा क्या? सब प्रणाम चले जाएंगे या कोई कोई यहाँ रहते हुए ही प्रणाम स्टेज अनुभव करें? वो इन्हीं से लेकिन ही आएगी कैसे? Definitely some will experience the Paramahansa stage here it comes. Or else how will the new world begin? But actually, this will be as if they are in Paramahansa. मतलब उनका ऐसा स्थिति रहेगा जैसे वो परंधाम में ही है, ऐसा ही ना? हाँ जी, डेफिनेटली. कोई संकट नहीं. नो थॉट. द सिचुएशन देयर स्टेज विल बी इन सच अ वे दैट दे विल हैव नो थॉट. अभी यहाँ से जाके इसका क्या प्लान है? Now what is your plan? In godly service after going back to Russia. Baba is asking. The plan is to translate to Russian some articles and to publish it in internet. मतलब जो अभी अंग्रेजी में है ना, वो उनको रशियन भाषा में अनुवाद करके इंटरनेट में उसको डालना. Then I also present on some astrological forum, and in astrological society there is a big uncertainty, because every astrologer are seen angels, but he don't understand why this influence takes place and what to do with it. So they may get some answer from knowledge. I will have personal contact. I will try to have personal contact with them.
ऐसे ज्योतिषास्त्रों ज्योतिषास्त्र की जितने भी हैं उनका भी इंटरनेट में बहुत बड़ा संघ है, उनमें भी हाँ मैं ये सारा टिप्पणियाँ दूँगा क्योंकि बहुत कुछ समाधान उसमें मिलती नहीं है, तो मैं उनको पेश करके उनको भी ज्ञान मिला है। बाबा स्टडिंग द थियरी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स विल ऑल्सो मीट विद द नॉलेज एंड इन द एंड दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट some religion border. Because if someone listens something new, his samskara resists. For example, in Russia, it's difficult to understand that God is not only father, but mother also. And astrology may somehow to help to understand that it's possible. A person may think about astrology, and the second step, he may think about something more right and more spiritual. ज्योतिष शास्त्र में ये मुझे अनुकूल हुआ कि जो धर्म के बाहर भी जाकर के कुछ सोचने का वो बुद्धि दिया, नहीं तो रशिया में ये बात को समझना बहुत दिक्कत है कि भगवान जो है वो बाप भी बन सकते हैं और माँ भी बनेगा, ये रशिया के हिसाब से समझना मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र में क्या अनुकूल हुआ, मुझे थोड़ा विशाल रूप से सोचने का कुछ मदद किया जिस वजह से ज्ञान को मैं उठा सकता। But I would not like, I don't want to go to the BK center. लेकिन BK center में जाने की इच्छा नहीं है। But if Baba will tell, I have promised to go. अगर बाबा बोलेंगे तो जरूर जाऊँ। बाबा इसलिए yes, you should go there. Okay, okay, fine. You are feeling a headache going to BKF, is it not? I feel now. The question is when to go there, immediately, or I should make some preparation, make some application. कब जाना है बी के तुरंत या थोड़ा तैयारी करके या कुछ इंटरनेट में सेवा करके क्योंकि शरीर का परिवार होता है तो ज्ञान में आने के बाद उस शरीर के परिवार को छोड़ थोड़ी देते हैं ट्राई करते हैं लोगों की ज्ञान को समझे ऐसी अलौकिक परिवार Just as you are having a family, just as everyone will have a family, after coming to the knowledge, will they leave their respective families? So in the same way, this is our spiritual family. So we should not leave that spiritual family also. We should try to make them understand something of this knowledge. Anything more you want to ask? Okay. Finish? Astrologer ke vaigyanik hai, doctor log hai, gyan ki baat mil jayegi. To ye sab gyan ke point of view se hi knowledge ko har apne apne gyan ko tally karna shuru kar do. Beat the astrologers, beat the scientists, beat the doctors, then this knowledge gets far and wide. They will try to understand the knowledge and do research more in their own respective way. That is what Baba is saying. When they recognize the knowledge, when it reaches
people like them, astrologers, scientists and doctors, they will correlate the knowledge with their respective field, be it the astronomy, be it the science or be it the medicine. They will try to research in their respective field. So,